सुपर संडे विद एमजी में आप सबका वेलकम है जी। और आज वेलकम थोड़ा सा धीरे अंदाज में इसलिए, देखो दो रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के। एक कि इंडिया जीत गई तो उसकी खुशी में चीयरिंग करी होगी भाई ने और भाई का गला ऐसा हो गया। दूसरा कि जो असल का रीज़न है वो ये है कि कल अपना शो है कटिहार बिहार में, यूथ थ्रिल्स करके यूथ फेस्टिवल है वहाँ पे, और वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस है तो उसकी रिहर्सल करने गया हुआ था मैं, इसलिए लेट भी हो गया आज। तो रिहर्सल करने गया था तो वहाँ पे 3-4 घंटे चली रिहर्सल और अभी गला थोड़ा सा इसलिए डाउन है, मतलब अभी बहुत ऐसे एनर्जेटिक सॉन्ग्स भी ना उसमें, तो इसलिए अभी थोड़ा गला इसलिए रेस्ट दे रहा हूँ मैं गले को। और इस रेस्ट करने वाले गले के साथ में तुम सबका वेलकम है जी। कैसे हो श्रुति? अरे यार ये बाल भी ना यार अजीब से हो रखे हैं यार, चलो कोई ना। श्रुति लिम्बाचिया का आज फर्स्ट हाई है, हाय श्रुति। हेलो अनुष्का नेगी, हाय शालिनी गुप्ता, हाय विशाल दुबे, हाय आना कृष्णा, जेरिन सुमैया जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू जेरिन। भाई आज तो गले का मतलब हो ही रखा है, कांड हो रखे हैं गले के साथ में। अन्या सिमरा, हाय अन्या सिमरा, हाय वृंदा दवे, हाय पापे अवैध, हाय मोहिनी दत्ता, और हाय साक्षी चौहान, प्रशस्ति पाठक, एकदम मस्त। मैं यार कल मेरा कॉन्सर्ट है कटिहार बिहार में, तो अगर आप सब में से कोई भी वहाँ पर रहता है, आसपास रहता है, तो प्लीज़ आइएगा। यूथ थ्रिल्स फेस्टिवल नाम है उस पूरे फेस्ट का, और मस्त उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे अभी हम। हाय निकिता गुहे, हाय आशिया कौसार, हाय जानवनी जानवी यादव, हाय मिष्टी अरोड़ा, हाय तान्या गिरी, सुकृति मिश्रा कह रही है हाय मोहित, आई एम फ्रॉम उड़ीसा एंड व्हेन विल यू कम टू उड़ीसा, विल मेक यू मीट लॉर्ड जगन्नाथ। पक्का आऊँगा सुकृति, जल्दी आऊँगा, और जब भी आऊँगा तो तू मिलाएगी मेरे को जगन्नाथ जी के मंदिर, ठीक है। और आंसल सिन्हा कह रहे हैं हेलो मोहित, इतना वेट के बाद फाइनली सीइंग यू लाइव। हाँ यार लास्ट टाइम भी मैं आ नहीं पाया, थोड़े रीजन से मैं खुद भूल गया क्या रीज़न था लास्ट टाइम, क्या था यार भूल गया, पर किसी वजह से मैं आ नहीं पाया था, मतलब लाइव मेरे को ये याद है। और आज भी यार थोड़ा मुश्किल था बताए लाइव आना, क्योंकि मेरा गला ना थोड़ा थक गया था यार, क्योंकि अभी 3-4 घंटे रिहर्सल करी ना हमने, पहले भी मतलब 4-5 घंटे रिहर्सल करी थी, फिर और बच्ची रह गई थी तो और 3-4 घंटे आज भी करी, तो इसलिए ना थोड़ा है डिश क्या हूँ, तो अभी मुझे से रेस्ट देना है। तो आज हो सकता है लाइव चैट भी अपन थोड़ी सी देरी करेंगे, क्योंकि कल मेरे को परफॉर्मेंस करनी है ना अच्छे से, तो आज मैं गले को रेस्ट दूंगा, समझे। यो लास्ट संडे यार मैं आ नहीं पाया था, और मैंने तुमको कहा था कि संडे आऊँगा, इसलिए मैं आ गया, पता नहीं तो आज भी मैं रेस्ट करता, सच बता रहा हूँ। मतलब देखो बात तो यही है भाई की। अरे रनीता साहा एंड फॉर अदर्स शेयर योर वीडियो, थैंक यू यार रनीता साहा। सौरभ धारीवाल कह रहे हैं नाइस वॉइस, अरे नहीं यार अभी तो वॉइस की लगी पड़ी है। और रिशान खान कह रहे हैं हे ब्रो, हाय रिशान भाई यार। परिनेहा सिंह कह रहे हैं हेलो मोहित, हेलो परिनेहा सिंह, बढ़िया नाम है यार तेरा। अक्षय संग्राल भाई क्या हाल है, मस्त है अक्षय भाई, तुम्हारे कैसे हैं। विशाल दवे एम जी हेल्प मी प्लीज, बताओ विशाल क्या हेल्प करूँ। शीतल थपलियाल कह रहे हैं हेलो सर, हेलो शीतल। और टीना वर्गीस से कह रहे हैं हाय मोहित, हाय टीना, हाय दीपक कुमार, हेलो नवीन भैया कैसे हो आप। तानिया गिरी कह रही यू लुक स्लीपी नाउ, हाँ यार मैं सच बताऊँ थक गया हूँ ना थोड़ा सा, इसलिए मेरे को भी नींद सी भी आ रही है, और इसलिए मैच भी नहीं देख पाया, बस मुझे पता चला कि इंडिया जीत गई है, और मज़ा आ गया यार देख के स्कोर, कितने विकेट से जीता अपन, 8 विकेट से जीत गया अपन यार, बताओ ज़रा। 37th ओवर में जीत गए, 190 पे ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को, बताओ यार। मैं सोच रहा था यार पता नहीं कैसे जीतेंगे इस बार, कि साउथ अफ्रीका बहुत ही तगड़ी वाली टीम है ना, और जीत गए अपन, बताओ शानदार है, शानदार है इंडिया की टीम है यार। मोहित गौड का मैसेज आया, राधे राधे भैया कैसे हैं आप, एकदम मस्त हूँ मोहित भाई, आप बताओ। पीयूष महावर कह रहे हैं शेयर यो वीडियो भाई, कौन सा ब्रो कौन सा वीडियो। कशिश आराधना कह रहे हैं मिस यू, वे मिस यू टू यार,
बहुत दिन हो गए थे बात करे हुए, मेरे को भी थोड़ी सी याद आ रही थी यार, तो सोचा बात करेंगे ना। सना शर्मा कह रही ई कप केक, अच्छा थैंक यू यार। हिमांशु तिवारी अच्छे लग रहे हो मोहित भाई, थैंक यू भाई। ये थैंक यू कहते कहते मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कहा कि ई कप केक और मैंने थैंक यू कह दिया। बताओ क्या जमाना आ गया है ना, मतलब एक एक ही जवाब में रट्टे मार मार कर देता रहता हूँ। अथर्व कह रहे हैं नाइस बियर्ड भाई, थैंक यू भाई। थोड़े दो हफ्ते पहले ये थी नहीं, मैं तो काट दी थी, हटाई चाहिए नहीं ऐसे ऐसे करके। अरे प्रीति मित्तल कह रही है आई मिस योर लाइव परफॉर्मेंस मोहित, रियली वांट टू सी यू परफॉर्मिंग अगेन इन माय सिटी सिलीगुड़ी, होप टू सी यू सून। अरे प्रीति, प्रीति के साथ मैंने दो तीन शोज किए हैं सिलीगुड़ी और आसपास एरियाज में, एक वहाँ सिक्किम में भी किया था प्रीति। अरे प्रीति अपना बिहार में शो है अभी कल कटिहार में, और हम बागडोगरा होते हुए जाएंगे, जाएगी हमारी फ्लाइट, तो तू हो सके तो आना ना देखने के लिए, प्रशांत भैया से बात कर ले। और निहारिका गुप्ता कह रहे हैं हाय कैसे हो, मस्त यार निहारिका। स्वीटी मजुमदार कह रही मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, मेरे कमेंट पढ़ ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं यार, देखो अभी अभी चाहिए यार, मैं क्या अभी देखा, मैंने अभी देखा इसलिए। डोमिनिक टोरेटो कह रहे हैं आपका चेहरा कोहली से मिलता है, अच्छा आपका चेहरा कोहली से मिलता है, वाह यार बताओ। विराट कोहली तो अपने फेवरेट प्लेयर हैं, पर मेरे ऑल टाइम फेवरेट तो सचिन तेंदुलकर ही हैं और रहेंगे जिंदगी भर। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, विराट कोहली भी अपने अभी सबसे टॉप पर है, पर आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, मेरे को बहुत पसंद है, मतलब बचपन के हीरो हैं यार अपने, मतलब मेरे तो। डोमिनिक कह रहे हैं आप क्रिकेट में ट्राई करो भाई जी, अरे क्रिकेट में नहीं भाई, मेरे को ना सिर्फ फील्डिंग करने लगाते थे लोग यार, क्योंकि मैं वही चीज़ अच्छी करता था, अच्छी वो भी नहीं अच्छी करता था यार, ऐसा नहीं है, मैं कर लेता हूँ बैटिंग बॉलिंग कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा बैटिंग में आता है हर किसी की तरह शायद, और मुझे बहुत कम मतलब खेलने का मौका मिला था क्रिकेट अपने बचपन में, क्योंकि मुझे टीम में लेते नहीं थे, मैं क्या बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा था ना, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थी बचपन से, इसलिए हर कोई मुझे टीम में लेना पसंद नहीं करता था, डर जाते थे वो मेरी बॉडी देख के। शैलू मेहरा कह रहे हैं हाई लुकिंग सो ऑसम ब्रो, थैंक यू यार शैलू। बताओ एक तो कोई लड़की बोलती है लुकिंग सो ऑसम, उसके बाद में ब्रो भी बोल देती है, यही है ज़िंदगी की चोट। गार्गी शर्मा नहीं नहीं आप तो विराट से ज़्यादा क्यूट हो, अरे यार थैंक यू यार गार्गी, पर यार विराट तो अपने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। परी सांगला कह रही है आई लव योर सॉन्ग ओ मामा मैं बेबी, जितनी सारी खुशियाँ सब तुमने दी है, सबसे प्यारी भोले भाले छोटी सी तो गुड़िया है सबके लिए। ओ भाई साहब आज तो ओ मामा मैं बेबी की भी प्रैक्टिस करी थी हमने, क्योंकि कल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना है भाई साहब, कल तो बहुत मजा आने वाला है कटिहार में यार। अरे कोई कटिहार से है क्या अपने लाइव चैट में, हो तो यार कल आओ कॉन्सर्ट में भाई, बताओ अपना नाम शाम। परमानंद भगत कह रहे हैं प्लीज मेरा कमेंट पढ़ लो प्लीज मोहित फ्रॉम वैष्णवी, हाय वैष्णवी। एस रोजलिन पुष्टि है मोहित थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए मेरा फेवरेट सॉन्ग गाया था। हाँ रोजलिन मुझे याद है, इंस्टाग्राम पे मैंने आपके लिए जरूर गाया था वो सॉन्ग, और वो था कौन सा था, वो था वो पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। यो मशहूद जुजैन कह रहे हैं भाई मुस्कान की चमकान तो देखो, बस भाई रोजाना ब्रश करने का नतीजा है ये, टिंग डिंग डिंग रोजाना। सच में पूछा चौरसिया, अच्छा एक बात पूछूं आप कभी स्कूल में अपनी मैम के ऊपर क्रश हुआ है? नहीं यार पूजा, पता है यार मैं यार बड़ा ही अजीब बच्चा था पता है स्कूल के टाइम पे, मतलब मैंने खुद को मतलब बेवकूफ स्टूपिड या इनोसेंट कह लो यार, पता नहीं कैसा था यार, पता है मतलब जो मतलब करते हैं ना स्कूल में मस्ती वगैरह सब यार, वो मैं करा ही नहीं कभी स्कूल में, कॉलेज में आकर मैं थोड़ा बहुत सीखा कि हाँ यार ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब स्कूल टाइम में तो मुझे लगता था यार टीचर पर क्रश कैसे हो सकता है, मतलब टीचर तो यार गुरु है ना अपने, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ सा था थोड़ा सा यार, मैं कुछ पता ज़्यादा था नहीं।
मतलब क्रश तो किसी पर भी हो सकता है यार, कोई भी दिल को पसंद आ जाए ऐसा करके। पर मेरे को मतलब भाई स्कूल टाइम में तो टीचर्स पर बिल्कुल भी नहीं था यार, ऐसा मतलब था ही नहीं मैं मतलब स्कूल टाइम में। फिर कॉलेज टाइम में भी आया तो भी नहीं था, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी ऐसा ही था कि यार टीचर्स तो टीचर्स होते हैं ना, मतलब उन पर मतलब क्रश कैसे हो सकता है, ऐसा सोचता था मैं। फिर बाद में अभी ऐसा लगता है हाँ यार क्रश तो किसी भी हो सकता है, कि जो भी पसंद आ गया उस पर। तो ऐसा सा है, पहले ऐसा था। हिमांशु सिंह कह रहे हाय सर आपकी वॉइस एक नंबर माय फेवरेट, फिर मुझे दिल से पुकार तू। अरे यार आज तो मेरी वॉइस की ना लगी पड़ी है भाई, और मैंने आज रिहर्सल में था ना तो गला ही थोड़ा सा ऐसा हो गया। बृष्टि श्रेष्ठा हो गया कह रही है हाउ व्हाट हैपेंड टू योर वी चैनल वाला शो। अरे बृष्टि को तो बहुत पुरानी बात हो गई भाई, देख अपने ना चैनल वी का शो था ना इश्क अनप्लग्ड, तो चैनल वी पे हुआ क्या, जुलाई 2016 में सारे फिक्शन शोज बंद हो गए और वो कम्प्लीटली म्यूजिक चैनल में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए जैसे अपना शो इश्क अनप्लग्ड फिक्शन शो था, तो अब वो भी बंद हो गया और अब उस पर सिर्फ म्यूजिक चलता है, ढिकचाक 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 चिटक ढिकचाक ढिकचाक ऐसा। खुशबू तोलानी कह रही है आपका फर्स्ट क्रश। अच्छा मेरा फर्स्ट क्रश, खुशबू मेरा फर्स्ट क्रश अगर मैं कहूँ ना मेरी लाइफ का जो याद रहा मुझे, मेरा फर्स्ट क्रश था स्कूल टाइम में, और मैं 11th क्लास में पढ़ता था, एक हेल्पलाइन करके कोचिंग सेंटर था वहाँ पर मैं जाता था, और वहाँ पे एक लड़की थी जिस पर मेरे को सबसे पहली बार क्रश हुआ था, और मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट एवर सॉन्ग मैंने उस पर बनाया था, जो शायद मैं तुम सबको सुनाऊंगा अभी एक दिन ज़रूर, उसका पूरा ट्रैक वगैरह बना के। अरे नीलेश ने एंड 15 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू नीलेश, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू है यार, तुम शेयर करते हो वीडियो तो मतलब अपना नाम फैलता है हर जगह, बताओ हर और लोग भी जानते हैं अपन को, बताओ ख्याति होती है अपनी, और क्या ख्याति प्रसिद्धि, और अंग्रेजी में कहो तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है, वाओ आई एम सो पॉपुलैरिटी का भूखा। हाँ यार डायलॉग मार रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगता है यार तुम सब शेयर करते हो तो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब तुमने वीडियो शेयर किया अब तुम सबके दोस्त भी देखेंगे हमको यार, अच्छा लगेगा, वो सब भी आएंगे लाइव चैट में, अपनी फैमिली में जुड़ेंगे, अपनी फैमिली बड़ी हो जाएगी भाई साहब, हाँ लाइक्स पे लाइक्स आएंगे। तो सबको जिन्होंने शेयर किया वीडियो उनको तो पहले तो थैंक यू यार, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हो तुम उन सबको भी थैंक यू बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार बनता है तुम यार इतना सब टाइम वाइम निकाल के आए हो लाइव चैट पे देखने, हर रोज़ आते हो, हर टाइम आते हो, हर संडे को आते हो, तो बहुत बहुत थैंक यू तुम सबको, अपने रेगुलर कस्टमरों को तो बहुत ही ज़्यादा, और जो आज पहली बार देख रहे हैं लाइव चैट, तो भाई ऐसी होती है लाइव चैट, हम बातें बातें करते हैं यार, अभी एक दो हफ्तों से बातें ही नहीं करते, बताओ एक दूसरे से बोल चाल ही नहीं होता है, तो ऐसी कैसी दोस्ती, ऐसी नहीं भाई बोल चाल करते हैं हम बस, यहाँ आपस में बातें करते हैं इसी टाइम पर, अच्छा लगता है। और शीला शर्मा कह रही हैं बहुत प्यारे लग रहे हो, थैंक यू यार, थैंक यू। अथर्व वगदारे कह रहे हैं ऑल्सो कमिंग लाइव इन 5 मिनट मस्ट सी। अच्छा भाई कैसे देखूंगा पर मैं लाइव, तुम आओगे तो 5 मिनट में। मोहित वर्मा कह रहे हैं मैंने ना 1000 व्यूज दिए आपके वीडियो को, एक एक लाइन, थैंक यू फॉर योर सॉन्ग। अरे थैंक यू भाई यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विश्वजीत शर्मा कह रहे हैं भाई मस्त लग रहे हो, थैंक यू भाई विश्वजीत। आशीष बिलेर एंड 23 अदर जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू आशीष भाई वीडियो शेयर करने के लिए। पापिया वैद कह रही है बहुत बहुत थैंक यू फॉर एवरी लाइव चैट। अरे यार लव यू टू यार पापिया, ऐसे प्यार से ऐसे कह रही है यार, थैंक यू यार। और तान्या गिरी कह रहे मुझे भी टीचर्स पे क्रश नहीं हुआ, अजीब चीज़ लगती है। नहीं नहीं अजीब चीज़ नहीं है तान्या, देखो क्रश तो मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है देखो कि किसी भी हो सकता है जो पसंद आ जाए, पर मेरे को कभी नहीं हुआ टीचर्स पे ऐसा, मतलब मेरे फेवरेट टीचर्स ज़रूर हुए हैं लाइफ में जिनको मतलब मैंने सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट किया, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हुआ हूँ मैं, जैसे एक चंद्रकला मैम है हमारी जो हमें हिंदी पढ़ाती थी 10th में, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ लिखने के लिए राइट करने के लिए। और जब मैं कॉलेज गया तो मनीषा मैम थी हमारी जो आर्ट्स की मतलब सबसे बड़ी फैकल्टी थी, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फैकल्टी थी, हेड थी, डायरेक्टर थी, और पाठक सर हमारे जो थे कॉलेज के, इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मेरी लाइफ में यार,
बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब मैं वर्ड्स नहीं बता सकता हूँ, इतने ज़्यादा, इतना ज़्यादा इंस्पायर किया उन्होंने मेरे को, बहुत मोटिवेट किया, और मतलब यार बहुत बहुत अच्छे हैं वो। और चेतन सुतर कह रहे हैं भाई न्यू सॉन्ग्स कब आ रहा है, आई एम वेटिंग। चेतन भाई बस आप ही समझ लो, आपका मोहित आप सबके लिए न्यू सॉन्ग्स लाता ही रहेगा। अब तो इतने सारे न्यू सॉन्ग्स आ गए, देखो बीमा वैलेंटाइन स्टोरी सॉन्ग आया, और मामा मा वे वे आ गया, अभी गाना तू गाले आने वाला है। और अभी रिसेंटली मैंने ना एक बंदे हैं विराल करके, जो बहुत टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर लिरिसिस्ट है, और आर्या हैं जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उनके साथ में मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जिसके सॉन्ग का नाम है कह दो ना। ये बहुत रोमांटिक सा एक सेक्सी सा सॉन्ग है, बहुत सेडक्टिव सा है, इसकी मतलब मेरे को फील बहुत पसंद है इस सॉन्ग की। और ये सॉन्ग मैंने गाया है, और एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, हम दोनों ने डुएट गाया है इस गाने को, और इस गाने के वीडियो पर जल्दी स्टार्ट करेंगे वर्क, और ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये भी आप सबके लिए जल्दी आएगा। कह दो ना आने वाला है, और भी मोहित के स्टोरी सॉन्ग आने वाले हैं बहुत सारे, और गाना तू गाले तो आने ही वाला है, तो ऐसा सा है भाई, बहुत सारे गाने आने वाले तुम सबके लिए, अब तो वेट करते जाओ। शुभ सैनिक कह रहे हैं ओ हेलो भाई, हेलो सुनो यार, सुनो सब छोड़ो, अब मुझे भी रिस्पॉन्ड दे दो भाई। ऐसा है भाई, मैंने तो देख तेरा अभी अभी पढ़ा भाई, इसलिए मैं अभी अभी रिप्लाई कर पाया। जय खत्री कह रहे मोहित भाई जल्दी कोई मूवी बनाओ। नहीं यार, अपन तो गाने बनाने से खुश हैं, देखो गाने बनाने अपन को, और बहुत सारे गाने बनाने हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। और दिशा वशिष्ठ कह रही हूँ उदयपुर कब आ रहे हो मोहित। दिशा यार जल्दी आऊँगा, मेरे तो नाना नानी जी उदयपुर ही रहते हैं, तो उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा मैं। और अभी 13 जून को मेरे डैड का बर्थडे भी है, तो मैं तब जयपुर जा रहा हूँ। 12 जून को मतलब कल तो अपना बिहार में कॉन्सर्ट है, और वहाँ से मैं डायरेक्ट फिर जयपुर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि 13 को मेरे डैड का बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट करने शायद हम माउंट आबू जाएंगे, या कहीं भी जाएंगे जहाँ पापा मम्मी की घूमने की इच्छा है, तो वहाँ उनको लेकर जाऊँगा मैं। अच्छा सुनो ना, चलो अब ना मैं रेस्ट करने जाता हूँ, थोड़ा सा खाना वाना खाऊँगा, रेस्ट करूँगा, क्योंकि कल कॉन्सर्ट अच्छे से करनी है। एंड अगर आप कटिहार बिहार में हो, या आपकी कोई भी फ्रेंड हो, तो आप प्लीज़ उनको कहना कल कॉन्सर्ट में आने के लिए। एंड सो जाने से पहले भाई साहब एक बात सुन लो तुम सब, और दिल से कहता हूँ और मानता भी हूँ कि क्या आई लव यू है जी, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, बहुत सारा प्यार तुम सबको, प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, एंड सी यू सून, नेक्स्ट लाइव चैट में ज़रूर मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।